नमस्कार, मैं आशीष शिव सर पीसीएस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपका मैथ का क्लास चल रहा है। मैथ का पिछला क्लास जो कि अनुपात समानुपात का था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगला चैप्टर कोई और होगा, तो उसी क्रम में आज हम लोग परसेंटेज प्रारंभ करेंगे। परसेंटेज को प्रारंभ करने का कारण यह है कि अगर किसी भी एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 10 क्वेश्चन ही हो, तो उसमें परसेंटेज का क्वेश्चन होना ही होना है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे अरिथमेटिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने आज है परसेंटेज। इसको आप ढंग से पढ़िए, एक एक लाइन को समझते जाइए बेसिक चीज़ को, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया तो पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इतने चैप्टर टोटली परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे ही है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा आराम से समझेंगे, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है परसेंटेज, परसेंटेज की आवश्यकता कैसे आई, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जैसा कि परसेंटेज के नाम में ही लिखा है, प्रतिशत, सत मतलब सैकड़ा, प्रति मतलब प्रति, तो प्रतिशत का मतलब आप लिख सकते हैं एक तरह से, देखिए प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, या इसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ हंड्रेड, प्रति सौ, या इसकी को प्रति सौ भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रति सौ में, प्रत्येक सौ में जो है उसी को क्या कहेंगे, परसेंटेज। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एग्जाम हो रहा है, एक एग्जाम हो रहा है 50 नंबर का कोई एग्जाम हुआ, उसमें कोई बच्चा पा गया 30 नंबर, तो 30 नंबर तो 50 में पाया उसने ना, लेकिन मैंने क्या कहा है, परसेंटेज होता है प्रति सैकड़ा, यानी 100 में जो पाएगा वो परसेंटेज। तो अगर हम इसको 100 में कहना चाहें कि वही एग्जाम यदि 100 नंबर का हुआ होता, तो आप कहेंगे 50 दूना 100, तो 30 दूना 60, तो बच्चा कितना नंबर पाता, 60। इसी को हम क्या कहते हैं, 60, और ए है प्रतिशत का निशान। चाहे 60/100 कहिए, चाहे उसी को 60% कहिए, ठीक, परसेंटेज का निशान ऐसे लगता है। प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ हंड्रेड, यानी 100 में कितना होता है। और यहीं से आप एक चीज़ समझ लीजिए आप कि परसेंटेज की आवश्यकता क्यों है और कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्यों परसेंटेज का इतना ज़्यादा यूज होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ काफ़ी बोर्ड हैं, जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, हाई स्कूल इंटर हुआ चाहे ग्रेजुएशन, सभी में कोई एक बोर्ड नहीं है, सबका एग्ज़ाम लेने का क्राइटेरिया अलग है। किसी का एग्ज़ाम टोटल 500 नंबर का होता है, किसी का 400, किसी का 600, किसी का 1000, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे एक छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं, 30 नंबर यहाँ पाए, आप लोग अगर यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देते होंगे तो मालूम होगा कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम टोटल 600 नंबरों का होता है और इंटरमीडिएट का 500। तो मान लीजिए कोई बच्चा 600 में पाता है 360 नंबर, ठीक। अब इसने तो 360 नंबर पा गया, किसी बोर्ड का एग्जाम 600 के बजाय में मान लिया 1000 नंबर का होता है, ठीक, और वहाँ उसने पाया 500 नंबर, ठीक। इनमें अब कैसे तुलना किया जाए, इन्होंने जो नंबर पाया वो 300 600 में पाया, इन्होंने 1000 में पाया, तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ होना चाहिए कि किसका ज़्यादा है, किसका कम है, किसका बेटर परफॉर्मेंस है, किसका बैड है। आप नंबर पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि 500 हैं, इनका बेटर परफॉर्मेंस है, लेकिन आप देखेंगे कि ये 1000 में पाए हैं, 600 में ही 360 पाए हैं। तो इसीलिए निकल के आया आपके सामने परसेंटेज, यानी हम क्या करेंगे, चाहे उसका ज़्यादा में हो चाहे कम में, हम सबको ले जाके 100 पर टिका देंगे और वहाँ से हम समझ लेंगे कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका बुरा। तो आप यहाँ देखेंगे कि यदि ये 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ होता, नीचे 100 होता, तो आप कहते कि यहाँ से 6 हटाना होगा, 6 हटाना होगा तो
छः से भाग दे दीजिए 60, और इसी को हम क्या कह सकते हैं 60%। अगर इसमें वही चीज़ हो, नीचे 100 लाना है तो आप कहेंगे 0 0 कैंसिल होगा, ऊपर क्या आ गया 50, तो इनका क्या हो जाएगा 50%। जो कि नंबर देखने में लग रहा था आपका कि इनका ज़्यादा है, परसेंटेज के रूप में इनका ज़्यादा हो गया। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ की एक्चुअल कंपेरिजन उसके डेटा से ना करके परसेंटेज से जब हम कहते हैं तो आपका सही एनालिसिस सामने आता है। इसी के थ्रू मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसके दुकान पे कोई 1000 रुपये की वस्तु लेने पर 100 रुपये की छूट मिलती है, तो आपको लगेगा कि अच्छा हो तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है 1000 पे 100। आपको मालूम चला कि दूसरा दुकानदार 500 रुपये की सामान लेने पर ही आपको क्या कर रहा है, 50 रुपये की छूट दे रहा है, तो आपको लगेगा कि 1000 वाला ज़्यादा दे रहा है। लेकिन जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ गया, दोनों का बराबर आ गया। ठीक, तो परसेंटेज से एक्चुअल कंपेरिजन आसान हो जाता है, हमको समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया कि आपको परसेंटेज में कोई भी चीज़ समझने में आसानी हो जाती है, कंपेरिजन करने में आसानी हो जाती है। तो परसेंटेज के क्वेश्चन को हम करें, उसके पहले परसेंटेज के थोड़े और कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम। देखिए परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, मैंने आपसे बता दिया कि परसेंटेज होता है प्रति 100, 100 में कोई वस्तु कितना है वो परसेंटेज होगा। यानी कि मैं कहूँ किसी के पास 20 है 100 में, तो इसको क्या कहेंगे 20%। किसी के पास 70 है 100 में, तो क्या होगा 70%। ये परसेंटेज का निशान है, इधर क्या है बटा 100 में लिखा गया है। अब अगर दोनों को कंपेरिजन आप करिए, ठीक है, तो आप देखेंगे 20 इधर भी है 20 इधर भी, 1/100 यहाँ है इधर परसेंटेज है, इधर भी 1/100 है इधर परसेंटेज है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि प्रतिशत मतलब होता है 1/100। प्रतिशत मतलब क्या होता है 1/100। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में हमको प्रतिशत दिखेगा और हमें प्रतिशत को हटाना होगा तो हम उसमें 1/100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसी क्रम में अगर हमें प्रतिशत लगाना है किसी संख्या में, तो आप कहेंगे इधर 1/100 है, 100 को हम इधर ले आए तो इधर 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा तो इधर क्या हो जाएगा 100%। यानी कि यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई कि प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग दे देंगे, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। इसी चीज़ को हम ऊपर लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आप परसेंटेज का क्वेश्चन उठा के देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है और इसी से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। रेलवे जैसे परीक्षाओं में तो क्वेश्चन यहीं से उठा के पूछ दिया जाता है, था आपको एक संख्या दे दिया गया, बताया गया उसको परसेंटेज में बदलिए, कोई परसेंटेज दिया है बोल रहा है संख्या में पूछिए। यहाँ तक कि SSC और UP SSC भी कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछ देता है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रतिशत मतलब 1/100। यहाँ से मैंने आपको बता दिया, पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए कि प्रतिशत हटाने के लिए उसमें 1/100 का गुणा कहिए चाहे 100 का भाग कहिए, देखिए दोनों को एक ही चीज़ कहेंगे हम। यहाँ अगर गुणा करने के लिए कहेंगे तो पूरा 1/100 का हो जाएगा, या प्रतिशत हटाने के लिए क्या कहते हैं 100 का भाग दे दीजिए उसी संख्या में। और दूसरा चीज़ आपको क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करिए। ठीक, जैसे मैं कहूँ 2 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप कहेंगे 2 × 100 कितना हो गया 200%। ठीक, मैं आपसे कहूँ 30% को संख्या में बदलिए, आप कहेंगे प्रतिशत हटाना है 30/100, 0 0 कटेगा, 3/10 दशमलव में निकाल देंगे तो 0.3%, परसेंटेज नहीं, आपका संख्या क्या आ गया 0.3 कहिए चाहे 30% कहिए। ठीक है, तो आप सीख लिए कि प्रतिशत को हटाया कैसे जाता है, लगाया कैसे जाता है। एक बार और समझ लीजिए, प्रतिशत हटाने के लिए
उसमें 100 का भाग दे दीजिए और प्रतिशत को लगाने के लिए किसी संख्या में उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है आपका। बिल्कुल देखिए बेसिक लेवल से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको आने वाले 4-5 चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट काम करे। मैं जिस कॉन्सेप्ट से आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा उसी से आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट CISI सब कुछ खत्म किया जाएगा। और आप मान के चलिए कि लोअर PCS जैसी परीक्षा में जहाँ की प्री में 25 था और मेंस में 40 क्वेश्चन आने की संभावना, तो 40 क्वेश्चन में आप कम से कम मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आना है जो 3-4 चैप्टर है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट CISI। हो सकता है 7-8 तक भी पूछ लिया जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 5 ही, क्योंकि किस चैप्टर से उनको कितना पूछना है नहीं बताया जाता है एग्जाम में। तो चलिए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्या क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद कुछ और देखेंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, दिया है कि भिन्न में बदलिए, क्या करना है भिन्न में बदलिए और सभी में परसेंटेज दिया हुआ है। तो मैंने आपको सीधे सीधे अभी यही चीज़ बताया है कि प्रतिशत लगा हो उसको हटाना है तो क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 20% है, 20% को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज हटाना हो क्या करेंगे आप 100 का भाग देंगे, तो आप कहेंगे इसको मैं लिख दिया 20/100, 1 0 से 1 0 काटिए, 1 नीचे 0 बचा यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये तो आप तब कहते जब आपको दशमलव में देना होता है आंसर, लेकिन केवल भिन्न में बदलना है तभी 2 5 10 बराबर क्या आ गया 1/5, समझ पा रहा है। ये भिन्न में हो गया, पॉइंट में करना होता तो इसी को हम 0.2 यहाँ से लिख देते। आइए एक और क्वेश्चन चलते हैं इसी वाले में, सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, 25% दे दिया, 25% को क्या कह रहा है करने के लिए, 25% को कह रहा है भिन्न में बदलने के लिए। आप फिर से वही करेंगे 25/100 करेंगे, 25 चौका 100 क्या आ गया 1/4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए परसेंटेज का, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आता एग्जाम में। तीसरा क्या है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले ये जो आपका सही बटा है, सही बटा किसको बोलते हैं, यानी एक संख्या भी दिया है और कुछ भिन्न भी दिया है, इसको हम केवल भिन्न में बदल लें, तो आप कहेंगे भिन्न में बदलने के लिए 3 का 33 में गुणा करेंगे, 33 3 99 99+1 100, 100/3 हो गया, ये परसेंटेज में आया है अभी। अब आप क्या कहेंगे 100/3 को परसेंटेज में आ गया तो 3 अब इसमें 100 का भाग दे दिए तो हमारा भिन्न में आ जाएगा, तो क्या हो गया 1/3 आ गया। यहाँ इधर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इधर लिख देते हैं बराबर 1/3, ठीक है। अगले पे आइए, 11 सही 1/9 है आपका, इसी का 11 सही 1/9, इसको कह रहा है बदलने के लिए भिन्न में, फिर से वही चीज़ करिए 11 9 99 100, 100/9 तो परसेंटेज में बदल गया, अब परसेंटेज हटाने के लिए यहीं पे आप सीधे 100 का भाग दे दीजिए, क्या आ गया 1/9 आ गया आपका। एक और क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए यहीं पर, 45%, आप कहेंगे 45% है तो 45 में मैं 100 का भाग दे दूंगा, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 2 10, 9/20 यहीं आपका क्या आ गया 9/20 आ रहा है, नीचे तक दिख रहा है ना, देखिए एक बार, चलिए ठीक है आपको दिख रहा है यहाँ तक। तय हो गया हमारा कि जब हमको कोई संख्या दे दिया हो उसको कह दे कि भिन्न में बदले, तो हम सीधे सीधे जितना परसेंटेज दिखेगा उसमें क्या कहते जाएंगे 100 का भाग देते जाएंगे, ठीक है। तय हो गया आपका,
अब आइए कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी पर। अब अगला है आपका दशमलव में बदलिए, क्वेश्चन वही है, आपको कह दिया गया एक बार भिन्न में बदलिए, तो भिन्न वाले बदलने के लिए आपको पूरा कैंसिल आउट करके सबसे छोटे भिन्न में जब तक आंसर मैच ना कर जाए तब तक करना होता है। दशमलव वाला थोड़ा सा और आसान हो जाता है, देखिए कैसे दिया है दशमलव में बदलिए, और पहला है आपका 25%। आपको मालूम है कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, और जब 100 का या 10 का हजार का किसी संख्या में भाग देते हैं तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाता है। जितने जीरो हैं उतने अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 0.25, ठीक है, लग गया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़िए, और दूसरा 45%, फिर से वही चीज़, 45/100 बराबर 0.45। आप चाहते तो इस स्टेप को नहीं लिखते एग्जाम में, जैसे ही 25% देखा आपने, दशमलव लगाना है आपको मालूम है परसेंटेज हटाने पर दो अंक पे, सीधे सीधे दशमलव लगा के आगे बढ़िए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 13/8, 13/8 को दशमलव बदलना है, फिर से वही 13/8 × 100 हो गया। अब आपको 100 को नहीं टच करना है शुरू में, क्योंकि आप 13 में 8 का भाग दीजिए, जितना भी आएगा उसमें दो अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, 13 से 8 से दीजिए, 8 × 1 = 8 कितना बचा, 5 बचा, 8 × 6 = 48 अब कितना बचा, 2 बचा, 8 × 2 = 16 अब कितना बचा, 4, 8 × 5 = 40 आपका आ गया 1.625। ठीक, इसमें क्या होगा, 100 का भाग देंगे आप, जब 100 का भाग देंगे तो दशमलव कितने अंक इधर आ जाएगा, 2 अंक, 0.01625, ठीक है, तय हो गया आपका। 13/8 को आपने दशमलव में बदल दिया, 8 × 8 = 48, इसको करने के बाद केवल पॉइंट को इधर लेते आइए, आइए अगले पे चलते हैं। अगला है आपका 75%। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ऐसे ही संख्या कोई देखिए जब भिन्न में नहीं है, तो सीधे 100 का भाग ना देके आप क्या करिए, सीधे जान जाइए कि 100 का भाग देना है, और दो अंकों पे दशमलव लगेगा, लगा दीजिए। उसी क्रम में आपका 155 है, आपको मालूम है दो अंक पे दशमलव लगेगा, 1.55, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि किस तरीके से इसको किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि परसेंटेज को हमने कैसे हटा दिया, चाहे दशमलव में बदलना हो चाहे भिन्न में। अब हमको एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज लगाना, यानी कि कोई संख्या दिया हुआ हो और उसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उस पर मैं आपको थोड़ा और करवाऊँगा, कुछ क्या करवाऊँगा बताऊँगा आपको अभी। इसका अभी पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है प्रतिशत में बदलिए, तो आपको दिया है 3/5, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 3/5 × 100, 5 × 2 = 10 कितना आ गया, 20 × 3 = 60%, ठीक है। इसी तरह दूसरा है 3 को परसेंट में बदलिए, तो बिल्कुल आसान है, 3 में 100 का गुणा कर दीजिए, चाहे भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो चाहे एग्जैक्ट कोई संख्या हो, तरीका वही होना चाहिए, 100 से गुणा करना है आपको, ठीक। आइए 4/7 को कहते हैं, 4/7 को बदलिए, 100 का गुणा कर दीजिए, क्या हो गया, 400/7 परसेंटेज में। और परसेंटेज जब भी आप ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरह से कोई भी संख्या नहीं लिखी रहती, जब अंश का मान हर से ज़्यादा होता है तो उसको सही बटन बदल दिया जाता है। तो 7 से भाग दीजिए, 7 × 5 = 35, 5 बचा, फिर से 50 हो गया, 7 × 7 = 49, 1 बचा, 57 सही, 1/7% हो गया आपका ये। अगला है आपका 0.01, ठीक है, 100 से गुणा करिए, जैसे ही आप 0.01 में 100 से गुणा करेंगे, ये दो जीरो दो स्थान दशमलव को इधर लेते आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1%। इसी तरह आपका लास्ट है ये वाला 13/4%, 13/4 को आप क्या कहेंगे, 13/4 × 100,
ये क्या हो गया परसेंटेज में। अब देखिए ज़्यादातर लोग गलती क्या कहते हैं, अब गलती ये कहते हैं कि चार का भाग इसमें दे देते हैं, चार से भाग दे दिए सौ में, यहाँ 25 आ गया। अब 25 का गुणा 13 में कर रहे हैं, कैलकुलेशन आंसर सही आएगा आपका, कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो गया। कोशिश करिए 100 को ना टच करना हो, आप इसी में भाग दे दीजिए 13 में 4 का, तो आपका आएगा 4 3 12 बचा 1, 4 2 8 अब कितना बचा बताइए, 4 3 12 1 बचा 10 हो गया, 4 2 8 2 बचा, 4 5 20 3.25 आ गया आपका, इंटू 100 अभी लगा है, 100 का गुणा करेंगे तो 0.5 इधर आ जाएगा, कितना आ गया 325%। तो आपने देखा अभी संख्या थी कोई प्रतिशत था उसको भिन्न में बदला, प्रतिशत था उसको 0.5 में बदला, या कोई संख्या था कोई भिन्न था कोई 0.5 था उसको प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत और संख्या में कैसे कन्वर्जन होता है हमने ये देखा, ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ संख्याओं का परसेंटेज कितना होता है निकाल के दिखा देता हूँ, जिससे हमको आगे बढ़ने में, आगे के क्वेश्चनों में काफ़ी मदद मिलेगी। मदद कैसे मिलेगी अभी आपको बताता हूँ, बस देखते रहिए आप क्या आपको बताना चाह रहे हैं, इसका मदद हमें आगे लेना है, ठीक है। तो आपका ठीक है, चलिए हाँ, जैसे एक संख्या है 1/2, इसको प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने का मैंने बताया था क्या करना है, 100 से गुणा करना है, तो जैसे ही 100 से गुणा करिए क्या हो जाएगा 50% आ जाएगा, ठीक। उसी क्रम में 1/3, इसको जैसे ही 100 से गुणा करेंगे 33 सही 1/3% आ जाएगा, 1/4 कितना आ जाएगा 25%। आप 100 से गुणा करके आपको खुद से चेक करके खुद से लिस्ट बनानी है, ठीक। 1/5 कितना आ जाएगा इसी क्रम में 20%, ठीक है। 1/6 कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%, चेक करिएगा। 1/7 कितना आ जाएगा, 1/7 आपका है 14 सही 2/7%। 1/8 क्या है, 12 सही 1/2%। 1/9 क्या है, 11 सही 1/9%। 1/10 क्या है, 1/10 सीधे सीधे 10% आ जाएगा। 1/11 क्या है, 1/11 आएगा आपका 9 सही 1/11%। आगे क्या करिए, 1/12 पे आ जाइए, ऊपर से लिख देता हूँ, 1/20 तक आपका कंप्लीट करवा दें, 1/12 1/12 आपको दिखता रहे, 1/12 क्या हो जाएगा, 1/12 है आपका 8 सही 1/3%। 1/13 क्या है, 1/13 है 7 सही 9/13%। 1/14 क्या है, 1/14 है 7 सही 1/7%। 1/15 क्या है, 1/15 है 6 सही 2/3%। 1/16 बचा, 1/16 क्या है, 6 सही 1/4%। 1/17 1/17 है 5 सही 15/17%। 1/18 1/18 है आपका 5 सही 5/9%, ठीक। 1/19 कहाँ लिखूँ, आपको दिख रहा है, चलिए यहीं पे लिख देता है, 1/19 है आपका 5 सही 5/19%, और 1/20 कितना है 5%, ठीक है। ये तो एक लिस्ट मैंने बना दिया आपको, खुद से आपको प्रैक्टिस करके चेक करना है, इससे तो आपको एक चीज़ ये हो जाएगा कि संख्या को परसेंटेज में बदलना आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको क्यों बताया ये बता दूँ, इसमें से कुछ संख्याएं हैं जो कि परसेंटेज के क्वेश्चन में हूबहू यही डेटा आता है ज़्यादातर। जैसे मैं आपको बता दूँ, 1/3 जैसे ही आया आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अच्छा 33 सही 1/3 होता है,
एक बटे दो आया, आप समझ गए कि एक बटे दो यानी आधा, यानी उसका मतलब क्या होता है 50%। तो जब आप इस पे दो बार प्रैक्टिस किए रहेंगे, दो तीन बार इसको रूम पे एक कॉपी एक पन्ने पे लिख के प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको एग्जाम में भूलेगा नहीं, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। एक बटे पाँच कितना होता है 20%, एक बटे चार कितना होता है 25%। तो जैसे ही ये दो तीन बार करेंगे बिल्कुल रट जाएगा। तो आपको ये सब बिल्कुल रट जाना चाहिए, और विशेष तौर पे जिस पे मैं गोला पा रहा हूँ, जैसे 1/3, 33 सही 1/3, 1/6, 16 सही 2/3, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 33 सही 2/3 तो नहीं होता है, 16 सही 1/3 तो नहीं होता है, ऑप्शन में आपको ये दोनों डेटा रहता है। तो आप एक बार यहाँ से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होती। आपको मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन भी जो गलत आप करके आ जाते हैं वो ना हो। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि यहाँ आके कि सर इस चैप्टर को मैंने ढंग से पढ़ा था, रूम पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा था, लेकिन वहाँ छोटी सी गलती कर दिया। छोटी सी गलती यही सब होती है। आपको ऑप्शन को मारना था 33 सही 1/3, आप करके क्या आ रहे हैं 33 सही 2/3, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि 33 सही 2/3 होता ही नहीं है। परसेंटेज की लिस्ट में आप कहीं क्वेश्चन हल करेंगे नहीं आएगा। 16 सही 1/3 कहीं नहीं मिलेगा डेटा में आपको, 16 सही 2/3 ही मिलेगा। ठीक, तो इस पे जब आप एक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाएगा। यह सब तो आपको परसेंटेज केवल समझने के लिए इधर हल किया हूँ, मेनली आपका यहाँ तक से ही काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक को तो ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1/2 से चालू करिएगा 1/11 तक, और जब हम परसेंटेज के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर पहुँचेंगे तो आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से बिना कैलकुलेशन किए ही आप एग्जैक्ट डेटा पर पहुँच जा रहे हैं। बस आपके दिमाग में क्लिक रहना चाहिए एक बार कि एक 50 होता है, 50 के बाद सीधे 33 सही 1/3 आता है, फिर 25 आता है, फिर 20, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7। तो ये सब एक दिमाग में सेट रहे, याद नहीं करना है आपको, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल दो तीन बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास में फिर से आपको मैं बताऊँगा, अभी तो आपने केवल ये बता सीखा कि परसेंटेज कैसे बदला जाता है, परसेंटेज हटाया कैसे जाता है, परसेंटेज लगाया कैसे जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, इस तरह का क्वेश्चन होगा, या किसी संख्या का इतना परसेंट क्या होता है, इस सब तरह का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू कर लीजिए। परसेंटेज के अगले वीडियो पर जाने से पहले आपको इस पर दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, जो मित्र इसके पहले किए आप लोग में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका लोअर पीसीएस का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, और उसके बाद हम लोगों की पढ़ने की स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।